या अली मदद, अलवाइज अबू अली, वाइज नंबर 181. 7th of January 1991, Vice at Kulla Jamathana in Bombay. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى إلى قيامة. كرپا کری دکھ داری در चोट नहीं लगती, यानी दुख नहीं लगता।
क्योंकि मौत उसके हाथ में है। जमुना नया झक मारी, हजार बरस पहले की एक बात है, नॉर्थ अफ्रीका में हमारा राज था, सातवीं खिलाफत का जमाना था, हजारों मिशनरी आई, उस जमाने के अंदर मक्खियों की तरह घूमते थे दुनिया में हजारों। आज तो हम ढूंढ रहे हैं कि राज करने वाले मिशनरी किधर हैं, तो जीने जाचिए हैं, क्योंकि जो मिशन का काम है वो इंसान के दिल की लागनी की चीज है। एक आदमी ये धार ले कि मैं अपनी जिंदगी मदद को दे देता, फिर उसको दुनिया की लोभ लालच माया दुख सुख कुछ नहीं होता, उसने जिंदगी अर्पण कर दी। हजारों वायजीन मिशनरी हमारे खिलते थे। एक महान शख्स था फरीदुद्दीन अत्तार, उसका नाम हमें कहीं हिस्ट्री में यह मिलता नहीं है कि फरीदुद्दीन इस्माइली था, लेकिन उसने जो काम किए हैं, उसने जो चीजें लिखी हैं, उसकी लाइफ में से हमें ऐसा मालूम होता है इस्माइली होना चाहिए। और ऐसा बहुत से मिडल ईस्ट के अंदर हमारे वाइजीन मिशनरी वगैरह 500-700 बरस पहले भी ये मानते आए कि वो इस्माइली था। खैर, सूफी जरूर था, इबादत वाला था, खुदा से मोहब्बत करता था, वो इस्माइली नहीं हुआ। वो सिर में, सिर कहते हैं भेद को, रूहानी भेद में इस लाइन पे नहीं आया था। उसके पहले उसकी छोटी सी दुकान थी और वो जो दुकान थी, गांधी की दुकान कैसी होती है कि जड़ी बूटी बेचते हैं, ऐसा अत्तार की दुकान थी। एक दिन वो चांदी के वरक बनाता था, आपको मालूम है कभी कभी लोग पान के ऊपर चांदी का वरक लपेट के खाते हैं, हलवे के ऊपर, सीरे के ऊपर लगाते हैं, ये चांदी के वरक दिल के लिए, हार्ट के लिए मजबूत करने की दवा है, जिसको हार्ट कमजोर होवे उसके लिए ये चांदी के वरक बहुत अच्छे है। और खासतौर पे गाजर का या दूधी का हलवा बना के उसके ऊपर चांदी का वरक लगा के अठवाड़िए में 2-4 दफा खाए जाए, हार्ट मजबूत होता है, ये देसी दवा है। अब ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी चांदी लेते हैं, उसको हथौड़े से मार के मार के मार के बहुत पतला बना देते हैं। जब वो बहुत ही पतला हो जाता है तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेके चमड़े के 2 शीट के अंदर उसको रख देते हैं, ऊपर भी चमड़ा, नीचे भी चमड़ा, अंदर वो चांदी का थोड़ा सा शीट होता है, तो लकड़े के हथौड़े से उसको कूटते हैं, तो वो जो चांदी का जो टुकड़ा है वो बड़ा होता जाता है। फिर उसको जरा सा गर्म करते हैं, ताप देते हैं, फिर कूटते हैं, यहां तक कि वो ऐसा हो जाता है कि फूंक मारो तो उड़ जावे। अब ये फरीदुद्दीन दुकान पे बैठा हुआ, नीचे जो एरन होती है वो भी लकड़ की होती है, उसके ऊपर ये चांदी के वर्क कूट रहा था। मगर इसको छोटी उम्र से खुदा की मोहब्बत का और मजहब के ऊपर उसके भेद ढूंढने का शौक था, सूफी था, तो वो हथौड़ा मार के अल्लाहू 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 अल्लाहू, हथौड़े की स्पीड के ऊपर वो खुदा के नाम का जिक्र करता था। अब ये आदमी रूहानी तौर पे तैयार हो चुका था, अभी तक गुरु नहीं मिला, मुर्शिद नहीं मिला, इमाम की शनाख्त नहीं मिली। एक चीफ मिशनरी ने एक छोटे मिशनरी को कहा, इस्माइली दाई को, कि फरीदुद्दीन तैयार है,
ये आम पक गया है, इसको जरा सा रास्ता दिखा दो तो ये अपनी लाइन पे चले जाए। ये हमारा जो इस्माइली दाई था उसकी दुकान पे गया, फकीर बन के गया, उधर जाके दुकान पे सदा लगाई, कहता यार दो दिन का भूखा हूं और सचमुच भूखा था, कुछ बख्शीश दो। भीख मांगने गया दुकान पे, और वो आदमी खुदा के नाम की मस्ती में वो जो कूटता था ना, वो रिदम था उसका, तो खुदा के नाम की इस मस्ती में वो बहुत मशगूल था। ऐसे चढ़ी आंख से देखा, उसको इशारा किया चले जा। वो भीख मांगने तो आया नहीं था, वो तो इसको रस्ते पे लगाने आया था, खड़ा रहा। इसने एक दो दफा फिर कहा चले जाओ, वो नहीं गया। उसने हथौड़ा रख दिया, अब वो इबादत में खलल हो गया, उसकी रूहानी खुशी के अंदर गड़बड़ हो गई, गुस्से में आ गया। कहते तुरे को तीन चार दफा कहा चले जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तो क्या कर लोगे, कि मैं इधर मर जाऊंगा। अरे सब काम छोड़ के जल्दी से बाहर आया, ये तो ढूंढ रहा था कि इंसान अपनी मर्जी से कैसे मर सके। सब काम छोड़ के बाहर आया, गुस्सा भाग गया, अपनी मर्जी से मर जाओगे, हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा तो इधर मर जाओगे, हाँ मर जाऊंगा। पर अब चैलेंज आ गया, वो इस्माइली मिशनरी जो था उसके सामने एक चैलेंज आ गया। मुंह से तो निकल गया कि नहीं दोगे तो मर जाऊंगा, लेकिन अब चैलेंज हो गया। अच्छा मैं नहीं देता, मुझे मर के दिखाओ, अब क्या किया जाए। वो हमारा जो दाई था, चादर ओढ़ ली, कंधे पे चादर पड़ी थी, कंधे से निकाल के जमीन पे सो गया, चादर ओढ़ दी। और इसी दिन अत्तार अपनी दुकान के बाहर ऐसा खड़े खड़े देखता है और हंस रहा है। बहुत देर हो गई, कहते अच्छा 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 चलो उठो उठो, मैं तुम्हें एक रुपया देता हूं। कौन उठे? ये नीचे उठा, उतरा नीचे, उसको हिलाया, चादर हटाई, वो तो मर चुका था, वो सचमुच मर गया। अपनी इच्छा से मौत आवे, फरीदुद्दीन अत्तार ये चीज ढूंढता था। अब जो उसके हाथ में उसके घर पे गंगा आई और वो नहा न सका, माथा कूटने लगा, दुकान लुटा दी, अंदर की चीजें बाहर फेंक दी, लोगों को कहा लूट लो मेरी दुकान को, और खुद आधा पागल होकर चला गया। ओ मेरे घर में खुदा ने मेरा मुर्शिद भेजा, मैंने अपने मुर्शिद को पहचाना नहीं। 13 बरस जंगलों की खाक छानता फिरा, 13 बरस। मैं उसकी सारी आपको हिस्ट्री नहीं बता पाता, मैं ये बताना चाहता था कि हमारे दाइयों के अंदर, हालांकि वो छोटे दाई थे, लेकिन हमारे इस्माइली मजहब में आज से 200-500 हजार बरस पहले ऐसी ताकत थी हमारे अंदर कि एक ऑर्डिनरी मिशनरी, एक ऑर्डिनरी दाई अपनी मर्जी से मर सकता था, जैसे को सोने जाता हो, चादर ओढ़ी चले गए। जमड़ा रहा झक मारी है। मोमिनो, आपने कभी ये सोचा है कि ये मजहब जिसके ऊपर हम चलते हैं, ये मजहब का स्वाद क्या है? आपने कभी इस्माइली मजहब का मजा चखा? आप में से बहुत से 3 वक्त की दुआ नहीं पढ़ते, आपकी शक्लें मुझे जाहिर होती हैं, मैं फील करता हूं कि आप में से आधे आदमी 3 वक्त की रोज दुआ नहीं पढ़ते, आप में से कई ऐसे हैं कि जो सुबह की दुआ पढ़ते ही नहीं, कोई शाम की नहीं पढ़ता। 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं, जमाखाने की हाजिरी बराबर नहीं, हमारी जबान बराबर नहीं, हमारे आमाल अच्छे नहीं। याली याली करते हैं ओपरे मन से, ये टेप रिकॉर्डर याली याली करेगा, मगर इसमें अकल नहीं, इसमें समझ नहीं, तो क्या हम टेप रिकॉर्डर हैं?
कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं जन्म से इस्माइली मजहब में आया? इस्माइली मजहब क्या है? आपको सोचने की फुर्सत नहीं। आपकी दुकानें और आपके ये वीडियो टेप और आपकी मौज शौक और खाना पीना और कपड़ा लगता, इसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। उठो, कीचड़ में से बाहर निकलो, जिंदा रहो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। उठो, जागो, अपने मन को जगाओ, अपनी मौत का ख्याल करो। हम सबको एक दिन मर जाना है। ये छोटा सा टाइम भले 100 बरस का हो, हमारे 100 बरस मौलाना हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि एटर्निटी में हमारे 100 बरस एक आंख की फलक जितने, एक सेकंड जितना है। असल लाइफ तो हमारी उधर है, मौत के बाद। इस दुनिया के अंदर रहो, खाओ, पियो, अच्छे कपड़े पहनो, मैं उससे और मेरा मौला उससे मना नहीं करता, लेकिन अपना दिल दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की मौत शौक में, दुनिया के पैसे में बांध रखो। तो जब मौत आएगी तो खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ। उस तरह जाके क्या करेंगे? अफ्रीका से जब इदी अमीन ने एशियंस को निकाला, उसमें हमारे हजारों इस्माइली भी थे। 3 कपड़े नहीं निकाला। अगर किसी ने कोई पेटी हाथ में लिया तो सोल्जर पेटी छीन लेते थे, औरतों के हाथ की बंगड़ियां दागीने उतार लेते थे, शीशे तलाश करते थे, 10 शिलिंग की भी नोट मिली तो रख लेते थे। खाली खीसे 3 कपड़े हमारे एशियंस को निकाल दिया गया, हजरत इमाम के मुरीदों को भी निकाल दिया गया। लेकिन हमारे बहुत से इस्माइली भाइयों ने, मेजॉरिटी ने, उसके 2-3 बरस पहले से इमाम ने इशारे किए थे कि तुम सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। ताली के भेजे, वाइजें करवाई, फरमान भेजे, मेरे रूहानी बच्चों सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखो। तो फिर लोग पूछते थे ये अंडे कौन से? भाई आपकी औलाद है ये भी अंडे हैं ना, आपका पैसे हैं ये भी अंडे हैं। मौला के इशारे जिन्होंने माने, जिन्होंने समझे, उन्होंने क्या किया? अपने एक्स्ट्रा पैसे बचत कर कर करके, कोई लंदन भेजता था, कोई न्यूयॉर्क भेजता था, कोई कनाडा भेजता था, इधर 3 कपड़े से निकल के गए, मगर दिल में शांति थी। इधर बैंक में मेरे डॉलर पड़े हैं, बस वहां जाके इनको भीख मांगने की जरूरत नहीं आई। गवर्नमेंट ने जो इनको कपड़े दिए, रहने का बंदोबस्त भी कर दिया, खाना पीना भी दिया, 8-15 दिन के अंदर इस्माइली अपनी अपनी जगहों पे चले गए। 90% इस्माइलियों के पास खुद के पैसे थे, बाहर पहले से भेजे हुए, वो इनको काम आए। मैंने ये दाखला इसलिए दिया कि हमको भी एक दिन ईदी अमीन बाहर निकालने वाला है, और वो ईदी अमीन मलकुल मौत होगा। 3 कपड़े से जिस तरह उस ईदी अमीन ने निकाला, ये भी 3 कपड़े से निकालेगा, बल्कि कपड़े भी उतार लेगा। उसने तो कपड़े रहने दिए ना, ये मलकुल मौत ये कपड़े भी नहीं रहने देगा। थोड़े से कपड़े में लपेट के जमीन में दफन कर देंगे। लेकिन जो इधर इबादत की होगी, बंदगी की होगी, रूहानियत को ऊपर ऊंचा किया होगा, तो जैसे ही मौत होगी, आगे तो बंगला तैयार होगा, शोफर वाली मोटर आपको लेने आएगी। अरे आला दर्जे के मोमेंट बनेंगे तो खुद मौला लेने आएगा। मौत तो है, इस मौत को याद करो, लेकिन मौत से डरना नहीं, डरने में कोई फायदा नहीं। मौला फरमाते हैं मौत का दिन मोमेंट के लिए ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है। जन्म से छूटे ये हाय हूँ, ये खाना पीना, ये तेरी मेरी, ये हसरत निंदा बोगस, कितने दुख है इंसान की जिंदगी में। इससे छूट के इंसान मौला फरमाया कुशादा जगह पे जाता है, अच्छी जगह पे जाता है, खुश हो जाता है। मोमन तो चाहता है कि इस दुनिया से छूटूं, मगर जब तक धनी का हुक्म नहीं आता वो नहीं जाता। लेकिन ऐसे मोमन है जैसे मैंने आपको कहा, थक जावे तो कहे मौला मैं आता हूं, अच्छा चले आप। मेरी अर्ज ये थी कि हम
اسماعیلی مذہب میں رہ کے اسماعیلی مذہب کی جو خوبی ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. پانچ میں نے بولا گلپیر حسن کبیر دین کے شبدوں کا کرپا کری رحم کر کے دکھ دارندر چاڑو. دکھ تو دکھ سمجھ گیا, دارندر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ سخت غریبی, سخت غریبی. جن میں شرم نہیں ہوتی وہ بھیک مانگ لیتے ہیں, لیکن جس میں لاج ہوتی ہے شرم ہوتی ہے وہ بھیک نہیں مانگتا, بھوکا مر جائے گا بھیک نہیں مانگے گا. یا تو وہ محنت کر کے کچھ روٹی کما لے گا, آدھی روٹی کھا کے بھی دن گزارے گا, لیکن وہ بھیک نہیں مانگے گا. ایسا شخص جو حد سے زیادہ غریب ہے لیکن سوبان والا ہے, بھیک نہیں مانگتا, وہ دارندر ہے. اور دارندر ہر حالت میں آتا ہے, کھانے پینے میں بھی, کپڑے لگتے میں بھی. دو روٹی کی بھوک ہے تو آدھی روٹی بھی نہیں ملتی, یہ دارندر ہے. اور یہ دارندر کسی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا, خدا رحیم ہے, کریم ہے, وہاب ہے, بخش دینے والا, مہربان ہے. اس سے زیادہ پیار کرنے والا ماں باپ بھی نہیں ہے. امام سلطان مجھ سے فرماتے ہیں کہ دنیا کے 1000 مات پتا اکٹھے ہو جائیں تو بھی میرے جتنا پیار جو تم کو تمہیں کرتا ہوں ایسا پیار نہیں کر سکتا. تو امام ہم کو اتنا چاہتا ہے, پھر وہ کیوں ہمیں دکھ دے رہے؟ جتنے بھی دکھ ہیں ہمارے اعمال کے کارن سے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں ہم دکھی ہوتے ہیں. ہم ایسے گناہ ہیں کہ اس کی سزا ہم کو اسی وقت مل جاتی ہے, بعض ایسے گناہ ہیں کہ اس کی سزا 2-3 دن کے بعد ملتی ہے, بعض گناہ کی سزا 1 برس کے بعد ملتی ہے, بعض گناہ کی سزا ہم کو 150 برس کے بعد موت کے وقت ملتی ہے. لیکن گناہ کی سزا اس لیے خدا لیٹ کرتا ہے کہ شاید ہی میرا بندہ پچھتاوا کر لے رہے یا کچھ نیک کام کرے تو اس کے گناہ بدلتے جائیں, نیکیوں میں جل جائیں. گناہ کی سزا خدا جلدی سے نہیں دیتا, بعض دفعہ دے بھی دیتا ہے, لیکن ہماری جو نیکیاں ہیں اس کی تو ہمیں تھوڑی بہت تو فوراً اس کی بخشش مل جاتی ہے. نبی کریم فرمایا داغ دنیا 70 در آخرت. ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ 10 گنا ہم کو اس دنیا میں مل جاتے ہیں زندگی میں, اور 70 گنا ہم کو آخرت میں موت کے بعد ملیں گے. یہ 70 گنا جو نیکیاں ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث میں 1400 برس پہلے ہے, مگر آج تو ہمارے امام نے ایسی رحمت و بخشش کر دی کہ تم ایک نیکی کرو گے تو 125,000 گنا اس وقت تمہیں عوض ملے گا. خدا کہتا ہے کہ ایک بندے کے گناہ دوسرے بندے کے اوپر نہیں ڈالوں گا. اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو اس میں عورت کا یا بچوں کا کوئی حق نہیں, لیکن اگر باپ نے عبادت کی ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اس میں سے جرا ملے گا. مگر گناہ کے اندر کسی کا بھاگ نہیں, خود انسان ہی اپنے گناہوں کی سزا اٹھائے گا, عورت نہیں اٹھائے گی. اور اگر عورت نے گناہ کیا ہے تو مرد نہیں اٹھائے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ گناہ کیا مرد نے, ساری فیملی دکھی ہوتی ہے, مگر یاد رکھو اس کے گناہ کی وجہ سے فیملی دکھی نہیں ہوئی. وہ تو خدا نے ایسا بنا دیا کہ ایک پتھر سے جس طرح دو پکشی مارتے ہیں تو خدا تو ایک پتھر سے 1000 پرندے مار سکتا ہے. ان کو گناہوں کی وجہ سے اکٹھا کر دیا, باقی اس آدمی کی گناہ کی سزا دوسروں کو نہیں ملتی. کرپا کری دکھ دہر چاڑو مہاب مکند, یہ سنسکرت لفظ ہے. خدا کی وکھان کے اندر مکند کہتے ہیں مہربان کو, مرانی کہتے ہیں دیاوان کو. یہ وہی رحمان اور رحیم کا ترجمہ ہے کہ وہ تو بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, وہ تو نہایت ہی شفیق اور مہربان ہے. اے مولا تو کرپا کر, مہربانی کر, دیا کر, میرا دکھ درد دور کر دے. تو اگر راضی ہو جائے, تیری جو میٹھی نظر پڑ جائے,
तो तुझ तुठे नौ नंद पाऊं, तू राजी हो जाए तो मुझको नौ नियामतें मिले, जो होवे नजर तुम्हारी। और नौ नियामतें कभी किसी को मिलती नहीं, किसी को एक, किसी को दो, किसी को चार, बहुत आला दर्जे के मोमन होंगे तो पांच छह होएगी। नौ नियामतें आज तक किसी को नहीं मिली, इंसान इस लायक है ही नहीं। ये जो नौ नियामतें हैं, देखो दीनदारों, हमारे पीरों ने हमारे ज्ञानों के अंदर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। ये नियामत खुदा की बख्शिश है। पहली नियामत ये है कि खुदा का ईमान हमारे दिल में हो। नौ नियामतों की मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। खुदा की ये नौ नियामतें, खुदा की ये नौ बख्शिशें। पहली बख्शिश, नबी फरमाते हैं खुदा की सबसे ऊंचे में ऊंची अगर कोई बख्शिश है तो वो ये है कि उसके दिल में खुदा का ईमान और मोहब्बत होवे। ये नंबर वन। फिर फरमाया नंबर दो कि उस आदमी को सच्चा गुरु मुर्शिद मिला होवे जिसकी वो साझेदारी करता है। नंबर तीन, उसके माता पिता जीते होवे और वो माता पिता की सेवा करे। ये खुदा की एक नियामत है। कम नसीब है वो लोग कि जिनके माता पिता जीते हैं और वो माता पिता को दुख देता है। कम नसीब है कि माता पिता की कदर नहीं होती। जिस माँ ने नौ महीने पेट में रख के दुख उठाया, उस माँ का तो बदला कभी दे नहीं सकते। तो ये खुदा की नियामतों में ये तीसरी नियामत है, तीसरी खुदा की ये बख्शीश है कि बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का उसे चांस मिले। और याद रखो दीनदारो, जिसने अपने बूढ़े माँ पिता की सेवा की वो सुखी रहता है, उसके बहुत से गुनाह और दुख बख्शे जाते हैं। हसनाबाद में लड़ाई का जमाना था, 1940 में मौला आए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने लड़ाई शुरू की। सबसे पहला उसका हमला पोलैंड के ऊपर हुआ और सितंबर की तीसरी तारीख को ब्रिटिश ने जर्मनी के विरुद्ध में वॉर डिक्लेयर की। 1940 की जनवरी में, यानी 4-5 महीने के बाद मौला मुंबई आए। एक महीना ठहरे। हसनाबाद में एक शख्स ने मेहमानी रखी, बीवी बच्चे बैठे हुए थे। जब मौला आके बैठे, मौला को अरज की गई, मिशनरी गुलाम हुसैन जुमा उस वक्त मौला के साथ मेहमानियों में जाया करते थे। खुदावंद, ये इस शख्स की मेहमानी है। हाथ जोड़े तो रोने लगा। बाबा फरमाया क्या है? कहते खुदावंद, मैं 16 घंटे दुकान खोलता हूँ, 16 घंटे मेहनत करता हूँ, सब काम अपने हाथ से करता हूँ, नौकर भी नहीं रखा कोई, लेकिन मेरा खर्चा ज्यादा है, आवक थोड़ी है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह उसको पूछे कि तुमने किसी को दुख दिया है? कहते मौला, मैं रोज जमाखाने जाता हूँ, जितना बनता दसवंत भी देता हूँ, मगर मुझे याद नहीं। मौला फरमाया याद करो, तुम्हें किसी की बद्दुआ लगी है? कहते नहीं खुदावंद। सब पूछा, तेरी माँ और बाप जीते? कहते नहीं खुदावंद। तूने अपनी माँ को दुख दिया? हाँ। अब मौला के सामने झूठ कैसे बोले? हाँ खुदावंद, मैंने माँ को बहुत दुख दिया। माँ गुजर गई कि जी खुदावंद, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी जिंदगी दुखी रहोगे। माँ और बाप का जो दुख है वो इबादत को जला देता है। जो आदमी माता पिता को दुख देता है दीनदारों, उसकी इबादत जल जाती है। माँ और पिता का दर्जा खुदा के बाद है। ये खुदा की नियामतों में से ये तीसरी नियामत है कि जिसके माता पिता जीते हैं और वो उनकी सेवा करें।
इसलिए रसूल अकरम फरमाते थे कि तुम्हारी माँ के पांव के नीचे जन्नत है। मैं 7 बरस का था जब मैंने कुरान पढ़ना सीखना शुरू किया और जब मेरे ये मौलवी ने मुझे नबी करीम की यह हदीस सुनाई कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, मैं यूं तूफानी था। घर जाके माँ का पांव उठाया, बैठी थी, मुझे तो जन्नत नजर नहीं आई। दूसरा पांव देखा, माँ कहती है क्या देखते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब कहते थे माँ के पांव के नीचे जन्नत है। प्यार से एक थप्पड़ मारा, मुझे बोली जरा बैठी थी, मुझे तो जन्नत नजर नहीं आई। दूसरा पांव देखा, माँ कहती है क्या देखते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब कहते थे माँ के पांव के नीचे जन्नत है। प्यार से एक थप्पड़ मारा, मुझे बोली बेवकूफ, माँ की खिदमत करो तो तुम्हें उसकी दुआओं मिलेगी, उन दुआओं से जन्नत मिलेगी। दुनिया का भी जो सुख है वो माता पिता की दुआओं से मिलता है। अपने माँ बाप की सेवा करो। नबी करीम के हुजूर में एक आदमी आया, कहता या नबी, मेरे माता पिता बूढ़े हैं, क्या मैं हज पे जाऊं? उनको देख रेख रखने वाला कोई नहीं। फरमाया घर वापस जा, तेरे माँ बाप की जो तू खिदमत करता है वो तेरा हज है, वापस जा, तेरे ऊपर हज फर्ज नहीं। तो माँ बाप जो है ना वो खुदा की नियामतों में से एक नियामत है। रसूल फरमाते हैं कि तीसरी नियामत ये है कि उसको सुख देने वाली बीवी मिले और औरत को सुख देने वाला मर्द मिले। ये खुदा की नियामतों में से चौथी नियामत है। वाइफ हस्बैंड के अंदर एक दूसरे की जो मोहब्बत और सुख देने की बात होती है, इंसान है कभी गुस्से हो गया नाराज हो गया वो दूसरी चीज है, दुख देने की बात है। अगर औरत ऐसी है कि मर्द को दुखी कर रही है या मर्द ऐसा है कि औरत को दुखी कर रहा है तो एक दूसरे को उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। नियामतों में से यह है कि वाइफ हस्बैंड एक दूसरे को सुख देने, नबी फरमाया नेक सुख देने वाली बीवी जो है वो खुदा की अजीम नियामतों में से एक नियामत है। ये जो संबंध है इंसान इंसान का, वाइफ हस्बैंड का, ये ऐसा संबंध है, ये ऐसा संबंध है कि इस जैसा संबंध दुनिया में कहीं नहीं। ये दो जाने एक होते हैं, एक दूसरे की इबादत नेकियों के भागीदार होते हैं लेकिन गुनाह और बदियों के नहीं। जिस घर के अंदर वाइफ हस्बैंड में सुख शांति है उस घर में बरकत रहेगी, भले गरीबी होगी, भले गरीबी होगी लेकिन मन का संतोष और सुख रहेगा और उसका कोई गम नहीं होगा। गरीबी के अंदर मोहब्बत के साथ रह के इंसान को जो सुख मिलता है, मालदारी के अंदर और वाइफ हस्बैंड लड़ते और झगड़ते हुए कुत्ते और बिल्ली की तरह, तो वह लाखों करोड़ों की दौलत में सुख नहीं दुख रहता है। सुख और दुख पैसे में नहीं है, सुख और दुख इंसान के अंतकरण में है। एक दूसरे का भूल चुक, एक दूसरे की गलती उठा लो, माफ कर दो, मर्द ने कुछ बुरा कर दिया औरत उसको माफ कर दे रहे, औरत ने कुछ कह दिया मर्द उसको माफ कर दे रहे, गुस्सा इंसान की नेचर और फितरत में है, चलो भाई 2-4 घंटे ऐसे निकल गए मगर वो फिर मिल जाते हैं। तोड़ने की बात नहीं आती, झगड़े की बात नहीं आती। ये भी खुदा के कोप में से एक कोप है जिसको हम कहर कहते हैं कि मियां घर पे आवे और मियां बीवी लड़ते रहे, इर्द गिर्द के पड़ोसी भी सुनते रहे, ये इधर जल के बैठा वो उधर जल के बैठी, इसका मुंह इधर उसका मुंह उधर, क्या है इसमें खाना भी क्या लगे, सुख भी क्या मिले। इस घर के अंदर फरिश्ते तो भाग जाएंगे, शैतान आएगा वो और भी लड़ाएगा,
सहनशीलता नहीं रहती, रूडनेस, तोछड़ापन, अभिमान, गुस्सा, ये ऐसी बदियां हैं जो इंसान को अंदर से इस तरह खाती हैं कि जैसे वो दीमक लगती है ना लकड़ी को, आस्ते 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 उदई खा जाती है। जिस घर में कजिया है उस घर में से बरकत और तंदुरुस्ती आस्ते आस्ते दीमक की तरह, उदई की तरह लकड़ी को खाती है, ऐसी खाती रहती है। मैंने बहुत से घर बर्बाद होते देखे, बहुत से ऐसे घर बर्बाद होते देखे, बच्चे परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे, कोई बाप को याद करता है, कोई माँ को याद करता है, माँ और बाप लड़ रहे हैं, कोर्ट तक मामले पहुंचे, डिवोर्स हो गए। ये खुदा का कहर है, ये खुदा का गुस्सा है, ये खुदा की पनिशमेंट है। लेकिन इसके ऑपोजिट कि जिस घर में सुख है, शांति है, वाइफ हस्बैंड में प्रेम है, सास ससुर की इज्जत है, माता पिता की सेवा है, बाल बच्चों से मोहब्बत प्यार है, अरे उस घर के अंदर तो फरिश्ते घूमते हैं, खुदा की बरकतें नियामतें होती हैं। ये खुदा की एक अजीम नियामतों में से नियामत है। सुख शांति रखो घरों में, इबादत के अंदर भी मजा आएगा, नेकियां सूझेंगी, खुदा उसको दुकान और बिजनेस में भी बरकत देता है। इसलिए जहां इत्तेफाक है, कहते हैं ना कि जहां संपत्तियां जम, इस तरह से ये खुदा की चार नियामतें हुई। पांचवी नियामत इल्म है। खुदा जब राजी होता है तो इल्म और हिकमत देता है, कुरान में लिखा है। इसलिए इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के चार तरीके हैं, नबी फरमाते हैं। एक तरीका तो यह है कि खुदा उस पर राजी होकर उसको इल्म की बख्शिश दे, मेहनत के बगैर खुदा अंदर से उसको इल्म देता है। दूसरा तरीका यह है कि गुरु के पास जाके इल्म सीखा जाए। तीसरा तरीका यह है कि इंसान खुद इल्म हासिल करे, किताबें पढ़े और उसके ऊपर ध्यान लगाए। चौथा तरीका यह है कि इंसान मुसाफरी करे, क्योंकि नबी फरमाते हैं मुसाफरी करने से इल्म बढ़ता है। तो खुदा की पांचवी नियामत यह है कि खुदा उसको इल्म की बख्शीश दे। और सचमुच जब खुदा राजी होता है तो इल्म बढ़ता रहता है। छठी नियामत यह है कि उसकी तंदुरुस्ती हो गई। तंदुरुस्ती एक अजीम नियामत है, अजीम नियामत है। मैं दारुसलाम हूँ, जब मैं अफ्रीका में रहता था, मौला ने मुझे दारुसलाम रहने का हुक्म किया था। मैं 40 बरस लगभग दारुसलाम रहा। मैं एक बहुत मालदार बोरा था, वो एक दफा सिटी का मेयर भी बना। इस्माइलियों के साथ बड़ा अच्छा मेल मिलाप था, करोड़ों पति था, दुबला पतला। उसको पेट की बहुत वर्षों तक बीमारी रही। कई दफा वो यूरोप अमेरिका गया, वर्षों बीमार रहा। एक दिन हमारी काउंसिल का प्रेसिडेंट था काउंट एजी अब्दुल हुसैन, उसके पास ये बैठा था। उस वक्त मैं भी वहां था। एक अपना इस्माइली जो उसको अच्छी तरह जानता था, जॉली आदमी था, तो इस बोरे ने अपना ये जिक्र किया कि मैं यूरोप जाता हूँ, पेट का ऑपरेशन कराता। तो आदमी जोक में इसको कहता है, आपको क्या परवाह, खुदा ने इतना बहुत कुछ दिया है। और कहता है, नरेंद्र जी भाई, मैं अपनी आधी दौलत आपको देता हूँ, आप मुझे तंदुरुस्ती दिला दो। आदमी के पास करोड़ों होवे लेकिन 4 बरस का बच्चा खावे, इतना भी ना खा सके, वो क्या सुख है? उस दौलत में क्या सुख है? हर वक्त कहीं न कहीं शरीर में पीड़ा होती रहे, खांसी होती रहे, आंखें बहती होवे, आदमी खा ना सके, आदमी अच्छी तरह सो ना सके, आदमी अपनी जिंदगी को खुशी से एंजॉय ना कर सके, ये भी खुदा की सजाओं में एक सजा है। अच्छी तंदुरुस्ती खुदा की अजीम नियामत है। गरीब होगा, तंदुरुस्त होगा और मोहताज नहीं, वो बादशाह है। करोड़ों की दौलत है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं, दिन दहाड़े उसको जिंदगी में सुख नहीं।
खुदा की नियामतों में छठी नियामत उसकी तंदुरुस्ती है, सातवीं नियामत उसको औलाद नेक मिले, ऐसी औलाद खुदा दे रहे कि जो उसको सुख दे रहे, उसका नाम ऊंचा करे, उसकी सेवा करे, लोग भी उसकी औलाद का वखान करें, मोमन औलाद होवे, तंदुरुस्त होवे, नेक होवे, ऐसी औलाद खुदा की नियामत। मैंने ऐसे बहुत से किस्से देखे कि कभी बेटा दुखी करता है तो माता पिता भले रहते हैं उसके साथ, या तो बहू या छोकरा, या छोकरा और बहू मिलके, या छोकरा बहू के दबेल में आके अपने माता पिता को मैंने तो ने मारता रह ले, उस आदमी का जिंदगी का गुजारना मुश्किल हो जाता है। किधर जाने, अपने बेटे को छोड़ के किधर जाने, और अगर बेटा ऐसा है कि हलते चलते मैंने तो ने मारता रहता है, दुख देता रहता है, तो भले ये उन माता पिता की गुनाहों की सजा खुदा उसके बेटे के हाथ से देता है, लेकिन ये बेटा भी जो है इस हिसाब से गुनाह कर रहा है। लेकिन जो बेटा ताबेदार है, माता पिता की इज्जत करता है, बूढ़े माँ बाप को प्यार देता है, उसकी घरवाली भी अपने सास ससुर का ध्यान रखती है, इसलिए कि ये मेरे शोहर के माता पिता है, वो नेक औरत और ये अच्छा बच्चा खुदा की नियामतों में नियामत है, वो औलाद के जो दिल को सुख दे रहे वो नियामत है। बस दफा ऐसी औलाद होती है कि आदमी बोलता नहीं शर्म के मारे, लेकिन दिल में कहता है इससे तो ना होती औलाद तो अच्छा था। तो खुदा की नियामतों और बख्शिशों में से नेक औलाद खुदा की एक नियामत है। दिलदारों, आखिरी नियामत यह है कि वो इंसान की दुनिया के अंदर आबरू होवे, भले उसके पास 10,000 रुपए भी नहीं, लेकिन 12,00,000 रुपए की आबरू होवे, जहां जाके खड़ा रहे कि मुझे ये 5-10,000 रुपए का माल से हाहा ले जाओ, ये इज्जत, ये आबरू, शीशे खाली लाखों की इज्जत, ये खुदा की नियामत है। और ऐसा आदमी ऐसा होता है कि अपने आबरू को कायम रखता है, जबान देता है तो पक्की देता है, हल्काई नहीं होने देता, ऐसे आदमी की खुदा इज्जत बनाए रखता है, ये इज्जत खुदा की नियामत है। इज्जत एक दौलत की तरह है, एक आदमी का जो रसूख और वक्त है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं इन्फ्लुएंस, यानी जिस भी जगह चला जावे, काम करके आवे, लोग उसका मान रखें, ये खुदा की नियामत है और ये बड़ी अच्छी नियामत है। खुदा की नियामतों में से ये नियामत है दिलदारों कि उसके जिंदगी के अंदर कोई बदी ना होवे, उसका करैक्टर अच्छा होवे, उसको खुदा अक्ल दे रहे, समझ दे रहे, सच्ची और अच्छी समझ दे रहे, और उसको पड़ोस भी अच्छा मिले, मूल के इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ये है कि वो किसी का मोहताज नहीं, अच्छी अकल है, वफादार है, 2 पैसे भी है, माल और दौलत भी खुदा की एक नियामत है। खुदा ने 2 पैसे दिए हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुदा ने उसको इतना दिया है कि अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके, ये खुदा की नियामत है। यानी कि दौलत भी खुदा की नियामत है, इज्जत भी खुदा की नियामत है, तंदुरुस्ती भी खुदा की नियामत है, नेक औलाद भी खुदा की नियामत है, माता पिता की सेवा ये भी नियामत है, ईमान भी नियामत है, अच्छी बीवी या अच्छा शोहर मिलना ये भी खुदा की नियामत है। मैं सतो भी सदर दिन तिरसन कबीर दिन कहते हैं मौला तेरी जो मीठी नजर हो जाए तो तू त्रुटे त्रुटे कहते हैं खुशी हो जाए तो मुझे 9 नियामतें मिले, क्योंकि ये 9 नियामतें आज दुनिया में किसी के पास नहीं, सारी नियामतें ऐसे टाइम सबके पास नहीं, किसी को 2 मिलती, किसी को 4 मिलती, बहुत नसीबदार होगा तो 8 तक जाएगा, मगर मौला जो राजी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। यानी ये सब कहाँ से मिले, मौला राजी हो रहे, तो क्या हम मौला को
راضی کرنے کا بندوبست کریں گے. یہ ساری چیزیں ملیں گی، دولت بھی ملے گی، عزت ملے گی، تندرستی ملے گی، نیک نام نہ ملے گی، اچھی اولاد ملے گی، سکھ شانتی، یہ سب جو میں نے آپ کو گنائی ہے یہ سب ملے جو مولا راضی ہوئے. تو کیا ہم نے سوچا کہ مولا کو راضی کریں؟ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت میں گئے، مجھے کہتا ہے مولا میں آپ کو ایک خبر کروں. ہاں مولا، جماعت کی حاضری جماعت خانے میں بہت اچھی ہے. مولا کرسی میں بیٹھ، مجھے خبر کی ہے کہ تم میرے روحانی بچے روز جماعت خانے آتے ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی. مولا کے چہرے کے اوپر خوشی ظاہر ہوتی. مولا کہتے ہیں مجھے کوئی چیز اتنا سکھ نہیں دیتی، اتنی خوشی نہیں دیتی جتنی خوشی جب تم جماعت خانے میں آتے ہو نا تو مجھے ہوتی ہے، اتنی خوشی مجھے اور کوئی چیز میں نہیں دیتی. پھر مولا فرماتے ہیں جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ دکھ دینے والی اور کوئی مجھے چیز نہیں. دیکھو میں نے آپ کو کیا کیا چیز آج بتائی ہے، نو نعمتیں آپ کو بتائی، نو بخشیشیں بتائی، اس کے ملنے کا رستہ بتا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ تم کو یہ نو نعمتیں ملیں جو مولا راضی ہوئے، پیر کہتے ہیں. تو مولا کہتا ہے جب تم جماعت خانے میں آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دیتی، اور جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو اس سے زیادہ مجھے دکھ دینے والی اور کوئی چیز نہیں. اب آپ مجھے بتاؤ جب آپ جماعت خانے نہیں آتے تو اس کا مطلب کہ آپ نے مولا کو دکھ دیا. اب مولا کو جو دینے والا ہے، جو بخشش دینے والا ہے، پالنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، آپ اسی کو دکھ دے رہے ہو تو پھر وہ آپ کو نعمتیں خوشیاں کہاں دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ اتنا ضرور ہوگا کہ رحم والا ہے تو آپ کا گناہ بخش دے گا لیکن برکت نہیں ملے گی، گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا مگر خوشیاں نہیں ملیں گی، نعمتیں نہیں ملیں گی. اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور دین میں ہماری زندگی سکھ کی نکلے تو مومنوں روز جماعت خانے آؤ، ادھر کھڑے ہو کے سب جھکا کے ہے زندہ کہو، قائم پایا کی آواز سنو، سلوات پڑھتے 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 پاٹھ پر آگے دعا کراؤ، دعا کرا کے امام کی دعا مکھی کے منہ سے سن کے بیٹھ جاؤ، ایک تسبیح نکالو، شکر الحمدللہ مولا تو نے مجھ کو نو نعمتوں میں سے دو چار تو دی ہیں اور بھی دے، تیرا شکر گزار ہوں. شکرانہ کرنے کے بعد ایک تسبیح اور نکالو، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، بخش دے میرے گناہوں کو میرے پالنے والے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب ہے پرومس کرنا کہ پھر سے نہیں کروں گا. 40 دانے شکر گزاری کے نکالو، 40 دانے استغفر اللہ کے نکالو، گناہ کی معافی چاہو، اور پھر اگر گنان بولا جاتا ہے تو گنان سنو، گنان سنو، اس کے ایک ایک شبد کو سمجھنے کی کوشش کرو، پچی سمجھ نہیں آئی تو کسی بھگت مشنری ودیر سے پوچھو کہ پیر کا کلام ہے، پیر نے کیا کہا، کس شانتی سے آپ میری آواز سن رہے ہو، کیا اسی شانتی سے گنان سنتے ہو؟ میں نے تو بہت جماعت خانوں میں دیکھا گنان بولے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، پیر بول رہے ہیں اور ہم سنتے نہیں. اگر آپ اس وقت میری آواز میں باتیں کرنا شروع کر دو میں تو بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ آپ میری آواز نہیں سن رہے. تو گھر پیر ماں باپ گنان بول رہا ہے، بھلے بولنے والا چھوکرا ہے لیکن کلام تو شاپیر مرشد کا ہے نا، دھیان سے سنو اور ساتھ ساتھ بولو. ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی، اس کو کچھ مینٹل ٹربل ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی. میں نے اس کو کہا میرے پاس دوا ہے
लेकिन तू करेगी? बापा मैं जरूर करूंगी। मैंने कहा सारा दिन गिनान बोला करो। बस गिनान बोलो? मैंने कहा सारा दिन गिनान बोलने से इंसान के दिल के अंदर जब ये दुख और गम इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ रास्ता चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि दो चार घंटे बैठ के किसी का दुख सुने, किसी के पास टाइम नहीं। लेकिन हमारे अंदर, हमारे मजहब में एक बड़ा अच्छा तरीका है, सिंगिंग करो। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वो मन को हल्का करने के लिए कहते हैं सिंग, यानी कि गाना गाओ। बेस्ट गाना हमारे गिनान है, जिसमें रूहानियत है, जिसमें मौला की बख्शिशें हैं। और फिर कहते हैं कि गिनान माहे तो साहिब छे। आप फिल्म के गाने गाओ, उसका थोड़ा फायदा जरूर होगा सिंगिंग करने से, लेकिन फिल्मी गाने और दूसरे गीत के अंदर साहिब नहीं है। गिनान बोलो रे नित नूर है भैया, गिनान के अंदर नूर है, गिनान के अंदर साहिब है, गिनान बोलो। मैंने उस लड़की को समझाया, बस उसने चार पांच और गिनान सीख लिए। गिनान बोलती रहे, दो तीन महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हमारे जमात खानों के अंदर जो ये गिनान बोलने की जो प्रथा या रस्म है, ये मेंटल सुकून देने के लिए बहुत अच्छी चीज है। गिनान बोला करो। हमारी मामियां, हमारी दादियां, हमारी चाचियां, हमारी नानियां, हमारी माएं कुड़ाने जनाने के अंदर आटा गूंदती हमें गिनान बोलती, हमें रोटी पकाती हमें गिनान बोलती, हमें हांडी पका रही है गिनान बोल रही है, कुछ कपड़ा सीती है तो गिनान बोलती है। अरे जिन घरों के अंदर सुबह शाम गिनान की लहर चल रही है, उस घर में शैतान कैसे आएगा? वहां तो फरिश्ते आएंगे, रूहानी आएंगी, शाहपीर का दौरा लग जाएगा, उसमें तो बरकत ही बरकत रहेगी, कई किस्म की बुराइयां मिट जाएंगी। गिनान बोलो, गिनान सीखो, अपने बच्चों को सिखाओ। दो जहान का मालिक ये नूर अला नूर हमारा मौला बापा, आपको बात सुना कि इसको गिनान का कितना शौक है। सब अगले मुंह में रहते हैं, जो साथ की सेक्रेटरियत है उसमें आश्रय पौने 200 आदमी काम करते हैं, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इससे थोड़ा दूर मौला का खुद का बंगला है, जहाँ मौला रहते हैं। मौला ऊपर रहते हैं, नीचे ऑफिस वगैरह लाइब्रेरी है। मौला जब भी अपने खुद की पर्सनल ऑफिस में जाते हैं तो एक कोने में टेप रिकॉर्डर पड़ा है, मौला उंगली से उसको ऑन करता है, आस्ते आस्ते गिनान बोला जा रहा है और मौला अपना काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी, लेकिन बहुत स्लो ट्यून के ऊपर गिनान बज रहा है। ये मौला बाबा 50वां पीर है, 49वां इमाम है, तो ये पीर खुद पीर भी है ना, तो अपना ही कलाम भी सुनता है। किसी छोकरी ने खूबसूरत गला था, उसकी टेप बना के मौला को भेजी, मौला रोज उसके गिनान सुनता है। बहुत सी टेप है, खुद मौलाना हजरत इमाम काम करते करते गिनान सुनते हैं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह छोटे थे, अली शाह माँ बाप का इमामत का वारा था, 3-4 बरस की उम्र में हो गए, तो जो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की देख रेख रखने वाली नैनी थी वो इस्माइली थी, सब उसको बोले गिनान बोलो, तो वो गिनान बोले तो मौला सो जावे। थोड़े बड़े हुए तो कभी कभी कमरिया हाजी को पकड़े, हाजी कमरिया जी सरकार गिनान बोलो। जब इमाम बन गए तो उसके बाद हाजी कमरिया मौला के हुजूर में रहता था, कभी कभी बोले हाजी कमरिया गिनान बोलो। एक दफा मुझको दामन जुबली से 20-22 दिन पहले मुखी ने बोला हाजिर इमाम बोलते हैं कि तू शाम को जमात को जरा बंगले पे आना। मैं शाम को बंगले पहुंचा, लालकेश्वर के बंगले, आधे घंटे के बाद अंदर बुलाया, बोला पूछते अबू अली या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, यह आयत आती है, इसका तर्जुमा आती है। इस आयत का तर्जुमे वाला मिलता जुलता कोई गिनान है? ने कहा खुदावंद है, अल्लाह एक कसम का मैंने पाठ बोला। सब बोले ऐसा नहीं, तुम राग से बोलो जैसे जमात खाने में बोलते हो। मैं खड़ा था, मैंने राग से अल्लाह एक कसम सबका मैंने गिनान सुना,
मौला आंखें बंद करके गिनान सुनते रहे, 10-15 अमरदार भी और भी थे, दो पांच बोले सब होते हैं। और कोई पांच है कि जो ऐसे मौका पे दावन जुबली पे बोला जाए? मैंने कहा हाँ तो दावन वो पाठ बोलो, लेकिन राग से बोलना। मैंने दूसरा पाठ बोला, आजादी टोपे हीरा जग मगे, मेरा बहुत खुश हुआ। मैं बोलू ना तो आंखें बंद करके सुने, ऐसा 8 पाठ सुने इसने, 8 दफा गिनान सुनाया। फिर बोला बहुत खुश हुए, बोले वो जो पहला पाठ है ना लाइफ का सुनकर फिर बोलो, वापस बोला। तो इमाम ने अप्रूव किया कि उस दिन दामन जुबली के तुला विधि के दिन ये गिनान तुम बोलना। आमीन खुदा। हजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को गिनान का बहुत शौक था, कभी कभी साहब फरमानों के अंदर गिनान की कोटेशन देते थे। तो एक दफा बैतुल ख्याल में आए तो मामा कोटेशन में कहते हैं, देखो इंसान है ना उसको हर वक्त खुदा को याद करना चाहिए। पीर ने गिनान में लिखा, साहब गिनान का पाठ बोलते हैं, सुते बैठे राह चलते नाम साहेब का नीचे, साहब गिनान का पाठ लिया। एक दफा मिशनरियों में बैठे थे मौला, तो कुछ चीज निकली तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं, देखो गिनान में लिखा है कि 100 वर्ष लगी जीवना आकर मरना हुई हुई। गिनान माह तो साहिब छे, गिनान बोलने से दिल हल्का हो जाता है, गिनान बोलने से गम दूर हो जाता है, गिनान बोलने से इंसान को सधियारा मिलता है, गिनान बोलने से उसके मन में संतोष हो जाता है, गिनान बोलने से उसको सवाब मिलता है, गिनान मिलने से माइंड रिलैक्स हो जाता है। बच्चे सोते नहीं, पकड़ो उनको, उनको बोलो लेट जाओ, और माँ पास बैठ के 1, 2, 4, 5 जितने भी बच्चे हैं, अगर माँ उसको गिनान बोलना शुरू करे, उनको को आंखें बंद रखना, खोलना नहीं। दिनदारों ये एक किस्म की लोरी है कि जो उन बच्चों को राहत देगी वो सो जाएंगे। अगर गिनान बोलते 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 इंसान अपनी जिंदगी के काम करता रहे, मोटर चला रहे हो गिनान ललकारते रहो, बाइसिकल चला रहे हो गिनान के पाठ बोलते रहो, याली याली करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, शाह करीम को याद करो, किसी भी नाम से मौला को याद करो, फिर शाह कहो, सारा दिन अगर आप इसी ख्याल में ऐसे ही वातावरण में रहोगे तो ना आपके पास दुख आएंगे, ना आपके पास गुनाह आएंगे, ना आपको बदियों का ख्याल आएगा, ना आफत बलाए नजदीक आएगी। सारा दिन खुशियों और आबादी में निकालो और मौला भी राजी होवे। जमात खाने अगर रोज नहीं आते तो आप मौला को दुख दे रहे हो। जो अपने मौला को दुख दे रहे, जो अपने गुरु को दुख दे रहे दीनदारों, उसको बरकत कहाँ से मिलेगी, उसको खुशी कहाँ से मिलेगी? रोज जमात खाने आओ। अगर कोई खास कारण है शाम को नहीं आते दीनदारों, तो सुबह जरूर आओ। 24 घंटे के दिन रात में एक दफा जरूर इधर आओ, उसके पांव में सिर रख के शुक्राना अदा करो, उससे मदद मांगो, उससे भीख मांगो, उससे खुशियां मांगो, उससे अपनी दुआएं मांगो। आपको औलाद चाहिए, खुशियां चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, आबरू चाहिए, मौला के हुजूर में आके मांगो। अगर काम धंधा नहीं चलता तो उधर कहो, या मौला तुम मुझे बरकत दे, मेरे कुछ गुनाह तो बख्श दे। याद रखो मोमिनो, रोज जमात खाने आके इधर तस्वीर निकालो, गिनान सुनो, मौला के पास दुआएं मांगो, अपनी कमानी की 10वां बराबर दो, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ। गारंटी इसलिए करता हूँ कि यह गारंटी मेरी कंपनी के सेठ ने दी हुई है कि जिस कंपनी का मैं एजेंट हूँ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी होती ना, मेरा सेठ आपका सेठ है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं, रोज जमात खाने आओ, बराबर दुआ पढ़ो, 10वां बराबर दो, अमाल नेक करो, अगर फिर भी तुम सुखी नहीं बनो तो मुझे गर्दन से पकड़ना। इससे ज्यादा क्या गारंटी हो सकती है? कृपा करी दुख दारिद्र टाड़ो, महा मुकन बुराई, तुझ त्रुठे नव नंद पामू, जो होवे नजर तुम्हारी। स्वामी महाराज हरे आसो हरे हरे आ।
آباد رہو، مولا دو جہان میں آپ کو برکتیں دے رہے، خوشیاں دے رہے، بخشش دے رہے، راحتیں دے رہے، سکھ دے رہے، مولا آپ کو گناہوں سے بچائے، گناہ معاف کرے، نیک توفیق دے رہے، دست التبریت میں کھولا رکھے، وفادار مومن بنائے، فرمان بردار بنائے، مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی نیکیاں بندگیاں قبول کرے، تمام دکھ دالی در دور کرے، مولا آفتیں بلائیں تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں جھگڑے